घरों में पानी भर गया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि घर में पानी भरा हुआ है, लोग रहने को परेशान हैं। जब यहाँ पर कोई भी प्रशासन कोई अपना कदम उठाने के तैयार नहीं है और ना ही उठाता, और जब भी हम लोग को जरूरत पड़ती है तो हम लोग खुद ही अपना इंजन लगा के पानी बाहर निकालते हैं। आपको बता दें कि अभी हल्की सी बरसात हुई थी। ये मोहल्ला है पूर्णागिरी, जो आप देख सकते हैं किस तरह से तालाब में तब्दील हो गया है। यहाँ पर ना कोई शासन प्रशासन का अधिकारी आया है, ना ही कोई नगर पालिका का जिम्मेदार आया है। आपको बता दें ये पूर्णागिरी मोहल्ला है, यहाँ की आबादी भी लगभग 4-5 हज़ार है जो यहाँ पे निवास करती है, उनको इस समस्या से जूझना पड़ता है। घरों में पानी भर गया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि घर में पानी भरा हुआ है, लोग रहने को परेशान हैं क्योंकि पानी की कोई व्यवस्था निकासी की नहीं गई है प्रशासन द्वारा, ना ही यहाँ कोई जिम्मेदार अधिकारी आया है। हम यही मोहल्ले के लोग हैं, हम इनसे पूछेंगे जब बारिश होती है जल भराव हो जाती है कैसे समस्या से ये निपटते हैं। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। ये जल भराव हो जाता है क्या? ये हमेशा, आज का नहीं, हमेशा का है, ये हमेशा ऐसे पानी भरा रहता है। जब यहाँ पर कोई भी प्रशासन कोई अपना कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है और ना ही उठाता, और जब भी हम लोग को जरूरत पड़ती है तो हम लोग खुद ही अपना इंजन लगा के पानी बाहर निकालते हैं और अपने पैसों से ही। और यहाँ प्रशासन जितना भी कुछ भी किया जाए, जहाँ जितनी एप्लीकेशन दिए जाए, लेकिन कोई सुनवाई होती ही नहीं, हमेशा से, आज की बात नहीं है ये। और यह हम लोग घर में पानी भर जाता है, इस पर जिसके कारण हम लोग को छत पर पानी भोजन का वो करना पड़ता है, ये जल भराव का। इसके लिए कोई कहता हूँ कि प्रशासन से कि इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए, जबकि यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यहाँ पर लाइट की होती है, जिससे लाइट बिजली के तार जो पानी में पड़े रहते हैं और इसका कोई सुनाई नहीं होता, जबकि अगर यहाँ पर एक भी तार अगर पानी में गिर जाए तो यहाँ पे पूरा मोहल्ला ध्वस्त ध्वस्त हो जाए। हम लोग जान के हथेली पर जान लेकर हम लोग घूमते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इसका कितना बड़ा वो कर रहे हैं, प्रशासन को कुछ दिखाई नहीं देता ना सुनाई देता है। इनका कहना है कि यहाँ पे जब जल भराव हो जाता है तो बिजली की समस्या आती है, बिजली से करंट की भी समस्या आती है। एक और भी यहाँ पे हैं, इनसे पूछेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विनय कुमार शर्मा है। यहाँ हर चक्कर जल भराव रहता है, हम लोग अपना व्यवस्था करके और निकलते बैठते हैं और हर चक्कर में थोड़ा पानी की समस्या रहती है, बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। छोटे छोटे बच्चे और एक बूढ़ी अम्मा भी बीमार हो गई थी तो उनको टायर पर बैठा के ले जाया गया है बाहर अस्पताल के लिए। ये समस्या है, शहर से सटा हुआ यह मोहल्ला है पूर्णागिरी, यहाँ पे ये जल भराव की समस्या है जो अभी निस्तारण नहीं हो पा रहा। इंडिया से विपिन राजन से सीतापुर।